धीमी आंच की वजह से अंदर का पका हुआ है सब सामान, तो बहुत बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी होने के लिए ही हम धीमी आंच में निकालते हैं। देखिए अभी हम इसको काट कर दिखाते हैं और सर्व करते हैं। दूसरा भी निकाल लिया है, ये भी हो चला है। एक पीस और रह गया है, इसको भी छान लेते हैं। बहुत झटपट बनने वाला ये आइटम है। आप लोग जब भी बनाइए ये रोल, तो जाड़े में मटर आलू डालकर जब छोंक के बनाती हैं तो इसको हम काट कर दिखाते हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, तब तक ये हमारा ब्रेड तैयार हो चला है। ये देखिए चारों तरफ से ये धीमी आँच में पकता है। इसे धीमी आँच में समोसे वाले भी पकाते हैं तो इसी तरह पकाते हैं। चाहे आप सादा ब्रेड बेसन का बना कर रखिए और चाहे आलू मटर का रखिए। देखिए हमारा तैयार हो चला। अब ये हम आलू मटर का जो ब्रेड रोल बनाए हैं इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं। सादा है इसलिए ये हमारा हर तरह से कटता है। ये देखिए क्या आलू मटर की बातें हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कटता है। अभी और ठंडा नहीं था इसलिए मैंने चाकू का प्रयोग किया है, वैसे आप काट सकती हैं उससे भी। गरम रहता है तो थोड़ा सा जल्दी से। ये देखिए हर पीसेज में आपको मटर आलू का टेस्ट मिलेगा। एक पीस और काट देते हैं। सादे को मैंने नहीं काटा है तो सादे को मैं समूचा रखूंगी और इसको मैं काट कर, जो मैंने गोल्डन हटाया नहीं साइड का, ये देखिए इसी तरह मैं इसको बनाकर रखूंगी। और अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये देखिए ये केचप लिया है। आपको केचप पसंद नहीं है तो हरी चटनी खाइए, अन्यथा मैं तो सर्व करते समय बच्चों को खास तौर से ये पसंद आता है। देखिए अब ये आइटम जो बना है ये आप खुद देखिएगा। नमस्कार, बिजी इलाहाबादी में हम आपका एक बार फिर स्वागत करते हैं। आइए जाड़े के सीजन में क्या क्या नहीं बनाया जाता और क्या क्या नहीं खाया जाता है। जाड़े के सीजन में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मटर आलू का प्रयोग करते हैं और निमोना बनाते हैं, चाहे आलू मटर की घुघरी बनाते हैं। तो आज हमने आलू मटर की घुघरी बनाया है। दो आलू और एक कटोरी, मैंने ये दो आलू छील कर धुल कर, और ये कटोरी मटर हरी मटर है, हाँ धनिया की पत्ती है, 4 से 5 हरी मिर्च है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा है, 2 से 4 कली हमारे लहसुन पड़ते हैं और थोड़ी सी इसमें काली मिर्च पाउडर डालते हैं जब लास्ट में पक जाता है। साथ में हींग छौंकते हैं जीरा डाल के। तो ये प्रोसेस हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये घुघरी कुकर में तुरंत बनाइए, तुरंत ब्रेड रोल बनाते हैं। तो ब्रेड रोल बनाने के लिए हमने 4 ब्रेड लिए हैं और कैसे मैंने ये देखिए घुघरी को बनाया है। ये देखिए बहुत जल्दी ये घुघरी हमारी बनकर तैयार हो जाती है। देखिए एक सीटी आती है। हाँ ये देखिए मैंने मटर और आलू की घुघरी जो बनाई है, हरी धनिया की पत्ती इसमें, लहसुन मिर्चा सब कुछ पड़ा हुआ है। इसका हम घुघरी अगर खाते हैं उसके बाद ब्रेड रोल कैसे बनाते हैं, तो ये इसका हम ब्रेड रोल बनाने के लिए अब आपको दिखा दिया है। अब चलिए हम ब्रेड रोल की तैयारी करके आपको बताते हैं प्रोसेस। मैंने कढ़ाई को गर्म कर लिया है, अब इसमें सरसों का तेल डाल रहे हैं। सरसों के तेल से ही मैं बनाती हूँ, ज़्यादातर लोग बनाते हैं रिफाइंड ऑयल में भी, तो मैं सरसों के तेल में ज़्यादा टेस्ट आता है इसलिए थोड़ा सरसों का तेल ज़्यादा ही उपयोग में लाती हूँ। अब मैंने गैस को ऑन कर दिया है। जब तक ये गर्म होगा मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। हाँ ये मैंने इसमें पानी लिया है जो डेली खाना बनते हैं आरओ से। अब मैंने ब्रेड लिया है, ये देखिए मैंने मटर निकाल लिया है, इसका घुघरी भी हम लोगों ने खाया था। तो अब इसके साथ में हमें क्या करना है, भिगोना है। पहले भिगो लेते हैं और इसका हम पानी निचोड़ लेंगे। ये देखिए और सब कुछ आलू में डालिए, आलू मटर के साथ में हम इसको जब भरते हैं। आलू देखिए पीस में दिख रहा है आपको और मटर भी दिख रहा है। तो इसको भरने के लिए हम बढ़िया सा अच्छी तरीके से आलू मटर भरते हैं। ये देखिए और इसको जब भरेंगे तो सीधा, बहुत लोग इसका हम ब्राउन पोर्शन निकाल देते हैं, मैं निकाल नहीं रही हूँ क्योंकि
इससे बहुत क्रिस्पी बनता है। और इसको जो भी आपको ढांचा में बनाना है, ये देखिए रोल बना लीजिए। ये रोल खाएंगे तो आप बार बार बनाने का मन करेगा जब भी आप घुघरी बनाते हैं। ये हो गया रोल, हमारा रेडी हो गया है। हम ब्राउन चाहें तो निकाल के हम दिखाते हैं। ये देखिए मैं गैस को ऑन करती हूँ और इसमें डाल देती हूँ। जब तक ये गर्म होगा मैं इसको किनारे का निकाल के, दोनों तरीके से बनाया जाता है, आप चाहें तो इसको किनारे का निकाल लीजिए। ये देखिए इसके किनारे का हम जैसे आराम से निकाल दीजिए तो बिल्कुल भी आपका वाइट वाइट सा आ जाएगा। ये देखिए इसका हम बाद में बनाकर इस्तेमाल करते हैं। कोई भी चीज़ हम क्रिस्पी बनाते हैं, ये देखिए ये रोल को हमने हर तरफ से, ये ब्राउन पीस आपको दिखेगा ही नहीं। बहुत लोग इसको ज़्यादातर निकाल ही देते हैं, लेकिन हम इसलिए बनाते हैं बच्चे खाते हैं तो पूरा अच्छी तरीके से इसमें खा लेंगे। अब ब्रेड को मैं पलट देती हूँ। ये देखिए अब मैं साइड का निकाल दी हूँ जो भी है, और इसमें हमें मटर आलू भर रही हूँ। दोनों को एक साथ हमने मैश भी नहीं किया है, बस इसका पानी निकालना ज़रूरी होता है, उसी के सहारे हमें ये भरना भी होता है। अब देखिए इसमें कहीं भी आपको बिल्कुल ब्राउन पीस नहीं दिखेगा, और इसको भी हम रोल बना लेंगे। ये देखिए बस ये निकालने से थोड़ा सा ये छोटा हो जाएगा उसके अपेक्षा। ये देखिए हमारा रोल कितना क्रिस्पी हो रहा है, जब इसको खाएंगे और इसको खाएंगे तो दोनों में आपको अंतर दिखेगा। अब मैं इसको पूरा बनाऊंगी फिर से। ये देखिए पानी निकालने के बाद ही हम, और धीमी आंच में तलिए। सबसे अच्छी बात है कि इसको धीमी आंच में तलते हैं, जितना धीमी तलेंगे उतना ही अच्छी तरीके से हमारा ये क्रिस्पी होता जाएगा। मटर जितना डाल सकते हैं उतना डालिए आप लोग। ये देखिए इसमें जब हम नहीं निकालते हैं तो इससे हमारा क्रिस्पीपन बहुत अच्छी तरीके से, ये देखिए जब भी हम दबाएंगे तो इसका पानी निचोड़ कर निकल आता है। और जो ये ब्राउन पोर्शन होता है ये कुछ खास रोल में दिया जाता है इसको बनाने के लिए। अब देखिए हम इसको निकाल ले रहे हैं, ये मैं निकाल कर अभी यही रख रही हूँ, फिर सर्व करती हूँ। ये देखिए अब ये इसकी सफ़ेदी और उसका क्रिस्पी, और ये क्रिस्पीपन जो आएगा ये बहुत अलग सा आएगा। इसको हम जब सर्व करते हैं तो तरीके से करते हैं, चलिए इसी तरह हम इसको भी सर्व कर लेते हैं। फटाफट हम आँच तेज करेंगे और आँच तेज करते ही गरम गरम निकालते हैं। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से ये जब बनता है तो ये खाने में बहुत टेस्टी लगता है। सभी लोग बनाते हैं, बस तरीका थोड़ा सा अपना अलग होता है। हमने दोनों बनाकर दिखा दिया कि आपको अगर ब्राउन पोर्शन निकाल देना है तो उसका टेस्ट, और जो ब्राउन पोर्शन जिसमें रहता है उसका टेस्ट, दोनों का टेस्ट आप जब बनाएंगे तो देखिए कितना टेस्टी दिखेगा। चलिए हम अब आपको छान कर दिखाते हैं। आँच तेज कर दिया है, धीमी आँच में पकता है तो इसका गोल्डन बहुत अच्छा तरीके से, धीमी आँच की वजह से अंदर का पका हुआ है सब सामान तो बहुत बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी हो जाएगा। क्रिस्पी होने के लिए ही हम धीमी आँच में निकालते हैं। देखिए अभी हम इसको काट कर दिखाते हैं और सर्व करते हैं। दूसरा भी निकाल लिया है, ये भी हो चला है। एक पीस और रह गया है, इसको भी छान लेते हैं। बहुत झटपट बनने वाला ये आइटम है। आप लोग जब भी बनाइए ये रोल तो जाड़े में मटर आलू डालकर जब छौंक के बनाती हैं तो इसको हम काट कर दिखाते हैं। अब मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ, तब तक ये हमारा ब्रेड तैयार हो चला है। ये देखिए चारों तरफ से ये धीमी आंच में पकता है। इसे धीमी आंच में समोसे वाले भी पकाते हैं तो इसी तरह पकाते हैं। चाहे आप सादा ब्रेड बेसन का बनाकर रखिए और चाहे आलू मटर का रखिए। देखिए हमारा तैयार हो चला। अब ये हम आलू मटर का जो ब्रेड रोल बनाए हैं इसको हम सर्व करके आपको दिखाते हैं।
सभी ब्रेड को हम देखिए काटेंगे। पहले काटने का तरीका है जैसा आप आकार चाहते हैं। मैं चाकू से भी दिखा देती हूँ और उससे भी काट करके, क्योंकि गर्म ज़्यादा है इसलिए ये हमारा हर तरह से कटता है। ये देखिए क्या आलू मटर की बातें हैं, बहुत ही अच्छी तरीके से ये कटता है। अभी और ठंडा नहीं था इसलिए मैंने चाकू का प्रयोग किया है, वैसे आप काट सकती हैं उससे भी। गरम रहता है तो थोड़ा सा जल्दी से। ये देखिए हर पीसेज में आपको मटर आलू का टेस्ट मिलेगा। एक पीस और काट देते हैं। सादे को मैंने नहीं काटा है तो सादे को मैं समूचा रखूंगी और इसको मैं काट कर, जो मैंने गोल्डन हटाया नहीं साइड का, ये देखिए इसी तरह मैं इसको बनाकर रखूंगी। और अब इसके ऊपर हमें क्या करना है, ये देखिए ये केचप लिया है। आपको केचप पसंद नहीं है तो हरी चटनी खाइए, अन्यथा मैं तो सर्व करते समय बच्चों को खास तौर से ये पसंद आता है। देखिए अब ये आइटम जो बना है ये आप खुद देखिएगा तब बताइएगा कि बेहतरीन आइटम बना है। और मुश्किल से 10 से 15 मिनट ही लगता है, सिर्फ ब्रेड होना चाहिए और आपके पास मटर आलू की तैयारी होनी चाहिए। छौंकिए, कुकर में एक सीटी बजाइए बिना पानी डाले और देखिए बेहतरीन आपका ब्रेड रोल बनकर तैयार हो गया है। जाड़े का खास चीज़ है इसलिए हम लोग शेयर करना चाहते हैं कि आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, आने वाला इसी तरह वीडियो आपके पास पहुंचता रहेगा। थैंक यू।